अगर आप पीएचडी करना चाहते हो या फिर फर्दर स्टडीज करना चाहते हो, पीजी करना चाहते हो, तो आप इंटरग्रेटेड प्रोग्राम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। दिस इज मी आमिर रशीद एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आपने देखा होगा कि थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस पे है आज। तो बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि सर हमें बता दीजिए कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम सही रहेगा हमारे लिए या फिर सिंपल बीए जिसे आप ऑनर्स भी कहते हो। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप कौन सा कोर्स करने वाले हो और किस कोर्स में अपॉर्चुनिटीज जो है बिल्कुल अच्छी है, ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट यही है आप सभी लोगों के लिए जो भी नया है हमारी इस चैनल पे, जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि स्टूडेंट्स के रिलेटेड हम रोजाना अपडेट्स देते रहते हैं। इसलिए बेल आइकॉन भी ऑन कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो जो है मिस नहीं करोगे, ठीक है। सबसे पहले मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, दो कैटेगरीज होती है स्टूडेंट्स की। एक वो स्टूडेंट होता है जो क्लास ट्वेल्थ पास करता है, फिर कहता है मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा। जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो वो कहता है कि मैं कुछ जॉब करूं, नौकरी करूं, जेकेएसपी एग्जाम दूं या कुछ और एग्जाम्स दूं, तो वो फर्दर स्टडीज करना नहीं चाहता, ठीक है। हो गए एक कैटेगरी के स्टूडेंट। दूसरे कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स होते हैं जो पीजी भी करना चाहते हैं, नेट सेट और पीएचडी भी करना चाहते हैं, जो फर्दर स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताने वाला हूं कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आपने फर्दर स्टडीज करनी है, यानी कि आपको पीएचडी करना है, पीएचडी तक जाना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं। अगर कोई कहता है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद ही कोई एग्जाम दूंगा, मैं फर्दर स्टडीज नहीं करना चाहता, मैं कुछ जॉब करना चाहता हूं, उसके लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सबने तो रजिस्ट्रेशन की होगी, जो न्यू स्टूडेंट है या ओल्ड स्टूडेंट जो है, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसके लिए भी ये वीडियो रहेगी। चाहे आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, लेकिन ये जर्नल मैं सबके लिए टॉपिक बना रहा हूं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम गलती क्या करते हैं, हमारे पास एक गोल नहीं होता, मतलब कि हमारे पास एक सेट नहीं होता कि हमें आगे क्या करना पड़ेगा, किस फील्ड में जाना पड़ेगा। हम ऐसे ही आर्ट्स लेते हैं, सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, किसमें स्कोप अच्छा है, किसमें अच्छा नहीं है, ये भी हम मतलब कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता किसी सब्जेक्ट में स्कोप अच्छा है, किसी में नहीं है, बट आपको इतना आना चाहिए कि जो भी आप सब्जेक्ट चूज करोगे उसके रिलेटेड आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आगे इसमें क्या कर सकता हूं मैं, ठीक है। यहां पर मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, अगर आप करना चाहते हो ऑनर्स, इसको आप बीए भी कहते हो, बीकॉम भी करोगे या कोई बीएससी करता है, ठीक है, तो सिंपल बीए की हम बात करेंगे। अगर आप बीए करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन लेवल तक आपको मतलब कि बीए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब कि एक स्टेप होता है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें इंसान सीखता है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट उसमें पढ़ा नहीं जा सकता, उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, लाइक जियोग्राफी भी पढ़नी पड़ती है, ठीक है, मैं आर्ट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको यूजी करना है, जिसको आप बीए कहते हो, यूजी करना है, तो आप ग्रेजुएशन के बाद आईएएस भी कर सकते हो, केएस भी कर सकते हो, जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंडीशन रहेगी कि आपको सब सब्जेक्ट्स पे होल्ड होना चाहिए, ठीक है, चाहे जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या फिर कोई भी जो भी मटीरियल होता है फ्रॉम टेंथ टू ट्वेल्थ, ठीक है ना, जो भी आर्ट्स हो, आम कॉमर्स या फिर साइंस की बात करेंगे, उसमें आपको मास्टर्स करनी चाहिए। मास्टर्स मतलब कि आपको सब कुछ आना चाहिए, वो मास्टर्स नहीं, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप
इंटरग्रेटेड प्रोग्राम्स करना चाहते हो, लाइक 5 ईयर्स इंटरग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, वही सब्जेक्ट जिसमें आप आगे पीजी भी कर सकते हो, अच्छे स्टडीज कर सकते हो, अच्छे रिसर्च कर सकते हो उस सब्जेक्ट में, ताकि एक ही सब्जेक्ट में जब आपका होल्ड हो तो आप उस सब्जेक्ट में पीएचडी भी कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल यहां पर पॉलिटिकल साइंस पकड़ा है, ठीक है ना, ऑनर्स करना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस में इंटरमीडिएट 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, उसके लिए आपको कम से कम 5 ईयर्स तक आपको खाली पॉलिटिकल ही पढ़ना है, होगा पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, उसके बेसिक्स आपको पढ़ने हैं, फिर आप यूजी कंप्लीट करने के बाद, पीजी भी कंप्लीट करने के बाद आप नेट भी क्वालिफाई कर सकते हो, सेट भी क्वालिफाई कर सकते हो, जो आपने चूज किया है सब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर मैंने पहले ही बोला कि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कि एक जो फर्दर स्टडी करना नहीं चाहते और दूसरे वो जो आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टडीज करना चाहते हैं। उसके लिए मैंने ऑप्शन रखे हैं, अगर आपको बीए करना होगा तो आप आईएएस एग्जाम भी कर सकते हो, उसके बाद केएस एग्जाम भी कर सकते हो उसके बाद, ठीक है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो या फिर फर्दर स्टडीज करना चाहते हो, पीजी करना चाहते हो, तो आप इंटरग्रेटेड प्रोग्राम जो है वो कर सकते हो। ठीक है, मेरी इन्फॉर्मेशन यही तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, और अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम की लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मुझे फॉलो कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, तब तक अल्लाह हाफिज।